नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी है और अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत के कारण क्या रहे। पहले इसका पोस्टमार्टम होगा और इसके बाद रिपोर्ट आने पर ही खुलासा होगा। 46.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा है बिलासपुर। रायपुर का तापमान 46.4 डिग्री रहा। दुर्ग में पारा 46.2 डिग्री रहा। राजनांदगांव में 45 डिग्री के पार पारा रहा और अगले 24 घंटे गर्मी से राहत के आसार नहीं है। एक तरफ नौतपा और दूसरी तरफ पारा 45 डिग्री के पार, मानो ऐसे जैसे धरती आग उगल रही हो। लोग परेशान हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। सबसे गर्म तो बिलासपुर रहा है, यहाँ पर पारा 46 के पार पहुंच चुका है और लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। तो वही मुंगेली में बात करें अगर तो लू लगने से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया। मामला डोडा गांव का है, जहां 70 वर्षीय भगत सप्रे मवेशी चराने के लिए गए थे और लू लगने से खेत में ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच के आधार पर लू लगने से मौत की पुष्टि की है। सरगांव इलाके में भी एक महिला की लू लगने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि इस वक्त मुंगेली पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला है। यहाँ तापमान 47 डिग्री के पास पहुँच चुका है। कलेक्टर ने लोगों से जरूरी न होने पर घर से नहीं निकलने की अपील की है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप घर से कम निकले बाहर, और जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए, वरना कोशिश कीजिए कि घर से ही सारे काम आप करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से 24 घंटे में लोगों की मौत की खबरें सामने एक तरफ आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा गर्म मुंगेली में तापमान 47 डिग्री के पार पहुँच गया और यहाँ एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बारह बजे करीब आस-पास खोजन होला, तो 12 बजे से खोजत करीब 1-2 बजे रात तक के खोजें बिहनिया खोजें, तो फिर बिहनिया मिली से तो खत्म हो गई। इसे एक भगत सिंह सप्रे नाम व्यक्ति है, जिसको उम्र 70 साल है, लू लगने से मौत है ऐसा पुलिस वाले के द्वारा आवेदन दिया गया है और हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पोस्टमार्टम का संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लग रहा है कि वो लू लगने से ही उनका मौत हुई है। सभी जिले वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम में अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, आप सभी लोग अपना स्वयं बचाव करें और अत्यधिक जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। अधिक से अधिक समय घर पर व्यतीत करें, अपने आप को ठंडा रखें, हाइड्रेटेड रखें और इस तरह के पदार्थों के उपयोग से बचें जो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप लोगों को सुन भी रहे हैं कि कैसे वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं। संवाददाता युगल तिवारी इसी दे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मौजूदा समय में पारा कितना है और मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया? जी देखिये, छत्तीसगढ़ में लगातार है हीट वेव, जो लहर है, भीषण गर्मी है और लगातार देखी जा रही है। अगर हम तापमान की बात करें तो बिलासपुर सबसे अधिक गर्म रहा है। रायपुर का भी जो टेम्परेचर है 46 डिग्री के करीब है। इसके साथ ही साथ अन्य प्रदेश के अन्य कई जिले हैं जहां लगातार जो तेज गर्मी है, भीषण गर्मी का प्रकोप है, वो लगातार देखा जा रहा है और कई लोगों की मौत, अगर बिलासपुर और रायपुर संभाग की अगर हम बात करें तो 6 से 7 लोगों की मौत है वो बताई जा रही है। हालांकि कई जो पीएम रिपोर्ट नहीं आए हैं तो इसलिए इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और आम जो लोग हैं वो 10 बजने के बाद घरों में डूब के रहना पसंद कर रहे हैं और अभी फिलहाल 24 घंटा के भीतर किसी तरह से राहत मिलने की संभावना नहीं है। लू के थपेड़े का एहसास सीधी तौर पर हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर गर्मी पड़ रही है तो लोग इस चिलचिलाती गर्मी से बचने का जो जतन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अमूमन पूरे जिलों में इसी तरह के हालात हैं, लेकिन सबसे अधिक गर्म महा
महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, रायपुर, ये इनमें जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और इस तरह से जो हीट वेव जो चल रहे हैं उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और सबसे खास बात यही है, परेशानी की बात यही है अंशिका, कि एसी जो कूलर है वो भी काम करना बंद कर दिया है। जी बहुत बड़ी चीज़ है ये कि इस बार जो गर्मी है वो काफ़ी प्रचंड पड़ रही है और जो पारा है वो कई जगहों पर 45 पार, कहीं 47 पार, लोगों की जान पर बात आ जा रही है। सावधान होने की वाकई में ज़रूरत है। युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बिलासपुर में पारा 46 डिग्री है और अगले 24 घंटे गर्मी से राहत के आसार फिलहाल नहीं है और छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी है। बिलासपुर भी बहुत ज्यादा गर्म रहा है। और अब बात मंत्रियों के मास्टर क्लास की। रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की मास्टर क्लास चल रही है। इस क्लास का आज दूसरा दिन है। इसमें IIM के एक्सपर्ट्स गुड गवर्नेंस के गुर सिखा रहे हैं, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर टिप्स दे रहे हैं। बीजेपी ने इसे चिंतन शिविर का नाम दिया है। ये ट्रेनिंग IIM रायपुर में हो रही है। साय सरकार के मंत्री आज माइनिंग, फाइनेंस, PR, एग्रीकल्चर और सोशल सेक्टर की जानकारी ले रही हैं। इसमें आज कई विद्वानों के सेशन होने हैं। तो एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत मंत्रिमंडल के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के सेशन और गुड गवर्नेंस पर जो है ये सेशन हो रहा है। युगल तिवारी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, आज दूसरा दिन है, आज किन चीजों पर फोकस रहेगा, आज की क्लास में क्या खास होगा? देखिए, आज मास्टर क्लास का दूसरा दिन है और योग अभ्यास से जो सेशन है वो शुरू हुआ। उसके बाद आर्थिक मामले को लेकर के, साथ ही साथ चूंकि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदाओं का भंडार है तो ऐसे में खनिज को लेकर के भी, और इसके अलावा कृषि प्रधान जो राज्य है छत्तीसगढ़, तो कृषि प्रबंधन पर भी, कृषि व्यवस्थाओं पर भी जो टिप्स हैं वो दिए जाएंगे। और सबसे खास बात यही है कि PR को लेकर के भी मंत्रियों को जो क्लास है वो ली जाएगी, उन्हें गुर है, उन्हें जो टिप्स है वो दिया जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों के जो विद्वान हैं, जो विद्वान प्रोफेसर हैं वो उन्हें टिप्स दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की समृद्ध छत्तीसगढ़ की अगर हम कल्पना करते हैं, प्रदेश के किसान उन्नत हो, समृद्ध हो, उसकी अगर हम परिकल्पना करते हैं, शासन की तमाम योजना है अगर वो धरातल पर उतरे और इसके साथ ही साथ आम जनता को इसका लाभ मिले और किस तरह से जो मंत्री हैं वो आम जनता से उनकी जो कनेक्टिविटी है बनी रही, तमाम तरह के जो PRs हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट के जो गुर हैं उन्हें सिखाया जाएगा। सहायक कैबिनेट, सहायक मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य विगत दो दिन वहां पर रहेंगे और एक तरह से अगर कहा जाए तो आवासीय ट्रेनिंग की व्यवस्था वहां पर की गई है। जो मंत्री कल से अंदर गए हैं अभी तक बाहर नहीं आए हैं और पूरा जब सेशन खत्म होगा उसके बाद जो नई जो तकनीक के साथ साथ नए नए जो क्लास हैं वो लिए जाएंगे और अनुभव के साथ वो वापस लाएंगे और उसे जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आम जनता को किस तरह से सुविधाएं दी जाएगी, शासन की योजना है, समृद्ध छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, समृद्ध भारत कैसे बन पाएगा, इन तमाम विषयों पर गहन चिंतन मंथन होगा और जो एक्सपर्ट हैं वो उन्हें टिप्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स की टिप्स बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए ये सेशन चल रहा है। ऐसे में आगे सरकार का काम जो है सुचारू रूप से चले इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खास होगा। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो गई है और बिजली कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर को इसमें दोषी पाया गया है। अब ठेकेदार की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 19 मई को ये जो है हादसा देखने को मिला था, 19 मई को हुआ था उरकुरा के पास हादसा। ड्रिलिंग के दौरान शाफ्ट रिमर टकराया था ट्रेन की बोगियों से, बिना कोई सूचना के ड्रिलिंग का काम चल रहा था और ऐसे में जो ट्रेन है वो डीरेल भी हो सकती थी। इस बीच ये हादसा, आप देखिए कैसे जो ये पूरी पाइप है वो बोगी पर गिरी,
जिसके बाद अब इस पूरे मामले में ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो गई है। बिजली कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर को इसमें दोषी पाया गया है। बहुत जल्द ठेकेदार की गिरफ्तारी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कल बस्तर के दौरे पर रहेंगे और साथ ही नक्सल खात्मे को लेकर राज्य सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगे गए हैं। बस्तर में पत्रकारों और विशेषज्ञों से चर्चा की गई थी। बुद्धिजीवियों से नक्सल मामलों पर चर्चा करेंगे विजय शर्मा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ये दौरा विजय शर्मा का, और क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करना है, नक्सल मुक्त बनाना है राज्य को। इस सिलसिले में लगातार विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, उनकी तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और अब वो जो है दौरे पर रहेंगे। बुद्धिजीवियों से इसमें चर्चा की जाएगी, नक्सल मामलों को लेकर राय मशवरा किया जाएगा। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। हत्या के प्रयास के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला, न्यायालय से जेल तक जुलूस निकाला गया है। बदमाशों ने गवाही देने पहुंचे युवकों को कार से टक्कर मार दी थी। वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त किया गया। कटघोरा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। हत्या के प्रयास में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। गवाही देने पहुंचे युवकों को कार से टक्कर मारी गई थी। और ये देखिए, पुलिस ने संदेश दिया है कि कोई भी अगर बदमाशी या फिर दबंगई दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी खैर नहीं। न्यायालय में पेशी के लिए आए हुए थे 3 व्यक्ति। उन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर और उसमें से नकाबपोश 5 लोग थे, वो उतरे और उनके साथ मिर्च पाउडर डालकर मारपीट किए। जांच पड़ताल किया गया जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 अभी भी फरार हैं। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां गरियाबंद के सरकारी अस्पताल में लगे एसी में गैस डालते समय गैस कैन फट गया और इस हादसे में गैस डालने वाला मैकेनिक दीपेश राणा घायल हो गया है, जिसे रायपुर रेफर किया गया। गर्मी अपने चरम पर है। बताया जा रहा है कि एसी गर्म हो गया था जिसके चलते गैस डालते समय यह हादसा हुआ है। कुछ दिनों से जिला अस्पताल के कुछ एसी लगातार खराब हो रहे थे, जिसके चलते एसी ठीक करने मैकेनिक को बुलाया गया था। और इस बीच देखिए हादसा, अस्पताल में मैकेनिक जो पहुंचा था एसी ठीक करने, अब दुख की बात यह है कि वो खुद ही घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल जो एसी का गैस है वो खत्म हो गया था, लेकिन गर्मी की वजह से कई बार ऐसा भी होता है गैस कंटेनर्स जो होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसको ध्यान में नहीं रखा जाता, इसे चेक नहीं किया जाता और गर्म गैस कंटेनर में ही गैस जब भरा जा रहा था तो ये अचानक से ब्लास्ट हुआ और एसी में ब्लास्ट होने की वजह से मैकेनिक घायल हो गया है। अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है, मैकेनिक का इलाज चल रहा है। जिला अस्पताल में ही घटना, कुछ भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी में अस्पताल के कई ऐसे रूम है जहां एडमिट है मरीज, वहां एसी काम नहीं कर रहा। जब एसी ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया तो खुद मैकेनिक भी घायल हो गया। अच्छा, ये जो केन फटा है उसमें गैस डल गया था, चेकिंग कर रहे थे उसी समय ब्लास्ट हो गया, वो कहीं से लीकेज वगैरह कारण। कैसा हुआ, क्या कारण, क्या था कारण तो नहीं पता, ये चढ़े जाके लिखा दी। हल्मी कोटी में एसी वर्क नहीं कर रहा था तो एसी के उसके लिए सर्विसिंग के लिए जो गैस वैस रिफिल करने के लिए आए थे वर्कर, उसमें ऊपर तक जो कंप्रेसर वाला जो पार्ट है उसमें एसी रिफिल कर रहे थे, गैस रिफिल कर रहे थे तो वो ब्लास्ट हो गया। इसमें एक जो है दीपेश राणा बोलते उसको चोट लगा।
शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, वाकई में ये गर्मी का मौसम ऐसा है जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं, एसी कह लीजिए, फ्रिज की अगर हम बात करें तो फ्रिज में भी ब्लास्ट देखने को मिल रहा है, कई बार कूलर में भी ऐसी समस्या आ जाती है, बहुत सावधान होने की जरूरत है। खबर जी बिल्कुल बहुत सावधान होने वाली ये बात है क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा है, हीट वेव का अलर्ट जारी है, इस बीच जो है तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है और जिला अस्पताल में लगातार एसी खराब हो रहा था। इस एसी को सुधारने के लिए जब मैकेनिक को बुलाया गया और एसी काफी ज्यादा गर्म था, उसी दौरान वो गैस डाल रहा था, तभी कैन में ब्लास्ट हो गया और कैन ब्लास्ट होने की वजह से जो मैकेनिक है वो 10 फीट ऊपर से नीचे गिरा, जिससे ब्लास्ट होने की वजह से उसके चेहरे में ज्यादा चोटें आई हैं और उसे रायपुर रिफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अब एसी फटने हैं या फिर गैस कैन फटने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही, इसे सावधान होने की जरूरत है और इतना ज्यादा गर्मी है और जिला अस्पताल में जिस तरह से घटना हुआ है इससे कहीं ना कहीं सीख लेने को ये बात मिलती है कि गर्मी में किसी भी प्रकार के ऐसे एसी हो या कूलर हो इसे सुधारने से पहले सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो बड़ा हादसा सामने आ सकता है। हालांकि हॉस्पिटल का कहना है कि एसी खराब हो रहा था और जब उसमें गैस डाला जा रहा था इस दौरान हादसा हुआ है, तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और काफी ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो सावधानी लोगों को बरतना चाहिए। जी बिल्कुल। और अभी कैसी हालत है घायल मैकेनिक की? देखिए उसके चेहरे और जबड़ा पर काफी ज्यादा गहरा चोट आया हुआ है, तो उसे तत्काल जो जिला अस्पताल से रायपुर रेफर कर दिया गया है, खतरे से बाहर है लेकिन काफी गंभीर चोट आने की वजह से युवक जो है अभी भी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद से ही पूरा हड़कंप मचा हुआ है और कई तरह के सावधानियां अब जिला अस्पताल में बरता जा रहा है। जी चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख। मुंगेली की खबर जहां ट्रांसफार्मर पैनल में भीषण आग लग गई, ज्यादा लोड के कारण आग लगने की आशंका है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, बड़ा हादसा लेकिन होते होते टला है। मुंगेली के गोल बाजार के पास ये घटना हुई है और यहां पर जो है ज्यादा लोड के कारण ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट की खबर आई है। देखिए तस्वीर, ये मुंगेली की हम आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रांसफार्मर पैनल में आग लगी है ज़्यादा लोड होने की वजह से, क्योंकि अमूमन गर्मियों के समय में सब एसी चलाते हैं, फ्रिज ऑन रहता है लोगों का, कई बार जो लोग हैं काफ़ी देर तक एसी ऑन करके रहते हैं, इसकी वजह से लोड काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसे में ब्लास्ट की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर देखकर सावधान हो जाइए, इसलिए बहुत ज़रूरी है समय समय पर एसी को बंद करके भी रखना, कूलर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी समय समय पर बंद कीजिए, कंटिन्यू ऑन रखने से लोड क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस तरह के ब्लास्ट ट्रांसफार्मर में देखने को मिलते हैं। डब्बे भर गए होते और अब खबर कोंडा गांव से है जहां मोबाइल की दुकान में आग लग गई, मोबाइल सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। मोबाइल की फैक्ट्री में देखिए, मोबाइल की दुकान है ये, माफ कीजिएगा, मोबाइल की दुकान में आग लगी है और इतनी भयानक आग कि नुकसान काफी ज्यादा, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और अब बात करेंगे बलरामपुर की जहां नाबालिग बच्चे तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र में काम कर रहे हैं और इसका एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो अधौरा गांव का बताया जा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद श्रम विभाग के अधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया, संबंधित ठेकेदार को नोटिस भेजा गया है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे एक्शन लिया जाएगा। तो ये देखिए बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तेंदु पत्ता संग्रहण केंद्र का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद संज्ञान लिया गया है और ठेकेदार को नोटिस भेजा गया है। बच्चों से मजदूरी करवाने का वीडियो अब सामने आया, इतनी प्रचंड गर्मी और इस प्रचंड गर्मी में तेंदु पत्ता
संग्रहण केंद्र का ये वीडियो देखिए, जहां से बच्चे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इस मामले में नोटिस भेजा गया है, श्रम विभाग ने ठेकेदार को नोटिस भेजा है, और अगर सही जवाब नहीं आएगा तो एक्शन लेने की बात भी की जा रही है। और अब खबर धमतरी से है, जहां दोहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मई 2022 के केस में अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। चोरी के माल के बंटवारे को लेकर हत्या की गई थी। तीन चोरों ने मिलकर दो चोरों की हत्या कर दी थी, और इसके बाद फैसला आ गया है। दोहरे हत्याकांड में तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। धमतरी की यह खबर, दो लोगों की हत्या की गई थी और इसमें तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला 2022 का है, मई का, और इस केस में अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। चोरी के माल के बंटवारे को लेकर पांच लोगों में अनबन हुई थी, जिसके बाद तीन लोगों ने मिलकर दो चोर की हत्या कर दी थी। सूरजपुर के करता के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना बोर्ड भंग कर दिया गया है। बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। कारखाने में शक्कर शॉर्टेज और ठेका मजदूरी में अनियमितता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। पंजीयक सहकारिता विभाग रायपुर ने ये कार्रवाई की है, और अब जिले के कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में कारखाने का संचालन होगा। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।